एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि सीयूटी पीजी का एग्जाम कल होने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट का कल एग्जाम होगा सीयूटी पीजी का, तो एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है अभी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ बातें। ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आप मैक्सिमम टाइम अपना रिविजन को दे रहे होंगे। तो अभी हम कुछ बातें करेंगे कि सीयूटी पीजी एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है एक बेहतर तरीके से, ताकि हम कुछ गलतियां ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी, कुछ ऐसा केस। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो केस होगा वो होगा कि बच्चा ये कहने वाला है आके कि मैम पेपर बहुत आसान था पर पेपर बहुत लेंथी था और मैं इस वजह से अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आने वाली है वो आएगी कि एक केस ये होगा, बच्चा कहेगा कि मैंने जो पेपर में करी है सिली मिस्टेक, मतलब मैं टाइम के चक्कर में रहा कि बट 120 मिनट है और मुझे जल्दी से जल्दी पेपर करना है, उस चक्कर में मैंने सिली मिस्टेक बहुत सारी कर दी है। थर्ड केस वो आने वाला है कि मैंने मतलब मैक्सिमम टाइम अपना पार्ट ए को दे दिया या मैक्सिमम टाइम पार्ट बी को दे दिया, तो मैं अपने दूसरे सेक्शन को टाइम नहीं दे पाया। ये सब बातें होने वाली है, पेपर कल हो जाएगा तो उसके बाद ये सब कमेंट मुझे देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए जरा बात करते हैं कि आप कैसे करने वाले हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपके पास 120 मिनट जरूर है। आपको अपना जो पेपर कवर अप करना है ना, वो 100 मिनट्स में कवर अप करना है, ताकि 20 मिनट आप एक ऐसा स्टेप नहीं कर लेते, आप 20 मिनट को रखिएगा कि भाई ये मेरा सेफर टाइम होगा। एंड आई थिंक आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ही ना 100 मिनट्स, वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो लेंथी नहीं होगा, उसकी कैलकुलेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर वो जल्दी होने वाला है। वहां पे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा कंपैरेटिवली टू विद द फाइंड आउट द लॉन्ग रिलेशंस, यू नो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेपर में जाकर पार्ट ए अटेम्प्ट करना है या पार्ट बी करना है, देखो आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है आपने पार्ट ए पढ़ रखा है, जो चीज आपने तैयारी करी है पूरे 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 5 दिन पहले, जो भी आपने सीयूटी की तैयारी करी है, सपोज आपको लगता है कि मैंने पार्ट ए पढ़ रखा है, तो यू शुड अटेम्प्ट टू द पार्ट ए, पार्ट ए को स्टार्ट करो। बट आप अपना ध्यान रखना कि 25 मिनट के अंदर पार्ट ए खत्म करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 25 के 20 मिनट में खत्म कर दो, पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि मैं डैम श्योर हूँ, आई एम 100% श्योर, जो ऑप्शन में आंसर है वही मेरा आंसर है, तब आप उसे अप्लाई करें। अगर किसी में लगता है कि 50-50, लीव दैट क्वेश्चन, उसे करो मत, क्योंकि वरना नेगेटिव में जाने वाले हो। तो जिस क्वेश्चन पे 100% की श्योरिटी होगी, पहले वो क्वेश्चन करना है। फर्स्ट 100 मिनट में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिस पर 100% श्योरिटी है। जिन सवालों पर आपको लगता है कि 50-50 है या 40-60 है, एक पेज मिलता है वहां पर, स्क्रिबल पैड जिसे कहते हैं, उसके ऊपर नोट डाउन कर देना कि सेकंड क्वेश्चन का मेरे को बी भी लगता है और सी भी लगता है, ताकि लास्ट के 20 मिनट में यू जस्ट आप उसे एक बार कंफर्मेटरी करना चाहिए। क्योंकि 100 क्वेश्चन में से अगर आप 60-70 के बीच में क्वेश्चन लगाते हो, 100 में से 60-70 कन्फर्म क्वेश्चन कराते हो कि हाँ ये तो मेरा कन्फर्म आंसर है, तब आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, कोई कहेगा मैंने 80 क्वेश्चन लगाए, कोई कहेगा मैंने 90 क्वेश्चन लगाए, और फिर वो वहां पे क्या करके आ रखा होगा, नेगेटिव मार्किंग करके आ रखा होगा। भाई अगर तुमने 80 सवाल करे, 80 में से तुम्हारे 20 गलत हो गए, तो 20 नंबर तो वो गए ना, कितने में से 240 में से 20 हो गए, 220 तक नंबर बनेंगे। तो ट्राई टू बी आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भाई जिसकी आपको पूरी श्योरिटी होगी, 100% की श्योरिटी। अब ये नहीं है कि मैं 100% की श्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं में से 4 ऑप्शन में से तो एक आंसर होगा ना। सेकंड थिंग इज दैट कि पेपर को अटेम्प्ट चाहे पार्ट ए से करो चाहे पार्ट बी से करो, बट यू ट्राई टू बी गिव कि पार्ट ए को सिर्फ 25 मिनट देने हैं, पार्ट बी को 75 मिनट देने हैं। ठीक है, इस तरह से अपना टाइम लिमिट रखो, और लास्ट के जो 20 मिनट है उस पर आप अपनी कंफर्मेशन रखेंगे कि लास्ट के 20 मिनट पे मैंने एक बार सारा देखना है कि भाई सेकंड क्वेश्चन का मैंने ये 50-50 में डाला था, इसको मैं क्रॉस चेक कर लूं। ध्यान रखना मेरी 2-3 बातों का। सबसे पहले तो एक सिंगल बच्चा भी जो भी इस वीडियो को देखेगा ना भाई, आप 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन को देख कर जाना। ऐसा ना हो कि पता, मैं बताती हूँ बच्चों का क्या होता है, बच्चा स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होता है और लास्ट में उसे 10 क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलते हैं, और वो लास्ट के 10 क्वेश्चन इट्स वेरी इजी। तो एट लिस्ट आप अपना पेपर पूरा तो देखेंगे, और पूरा देखने का प्रोसीजर यही है कि यू कैन डू ओनली दैट क्वेश्चन जिसका कंफर्मेशन है, जिस पर डाउट है या लग रहा है कि ये लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसको बाद में भी कर सकता हूँ, तो अपने नोटबुक पे वो जो मिलता है पेज उस पर लिख दो कि भाई क्वेश्चन नंबर 20 लेंथी है पर मैं कर सकता हूँ, तो लास्ट के 20 मिनट में जाकर उसे करो। बट एटलीस्ट एक बार जरूर 100 क्वेश्चन देखना। और सबसे जरूरी बात,
पेपर कंसेप्चुअल है, नॉट अ लेंथी पेपर. वो अभी मान लीजिए वो आपके कंसेप्ट को पढ़ना चाहता है कि आप एक मिनट में कितनी जल्दी, लाइक वहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, अब बच्चा लगा रहा है 3 मिनट सोचने में कि कौन सी रिएक्शन है, पर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है तो फेवरेस की रीअरेंजमेंट हो रहा है, वो जल्दी से फेवरेस की लगा देगा. तो मतलब कहने का ये मतलब हुआ कुल कि भाई आपने जो भी पढ़ रखा है, जिसका फटाक से आंसर आ रखा होगा वो लगा देना वहां पे, जिसमें आपको डाउट लग रहा है उसको बाद में ही कर देना, पर एटलीस्ट अपना पूरा पेपर देखना और कोशिश करना 70 क्वेश्चन तक आप लगा कर आओ अगर आपको ऐसा भी है. बट अगर आपको लगता है कि मेरे तो सिर्फ 60 क्वेश्चन सही है तो यू कैन डू ओनली द 60 क्वेश्चन, ताकि नेगेटिव में जाओ ही मत. नेगेटिव में जाके क्या मिलेगा, उसमें से भी कम हो जाएगा. तो अवॉइड करनी है नेगेटिव मार्किंग. एक बच्चे का कमेंट था मैम न्यूमेरिकल से बहुत डर लग रहा है, तो भाई न्यूमेरिकल से डर लग रहा है तो डर लीजिए, और क्या कर सकते हैं. अदरवाइज मैं आपको बता दूं पेपर में जो आपको न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन कैंसिल हो रही होगी. अगर ऊपर 0.2 है तो नीचे 0.1 होगा, ताकि बच्चा जल्दी से कट करे. उन्हें भी पता है आपको वो कैलकुलेटर नहीं दे रहे, वो बात अलग है. अगर पेपर में कैलकुलेटर मिल जाए दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन तो हमें नहीं लगता कैलकुलेटर मिलेगा नहीं मिलेगा. हम अपनी तरह से मानकर चलेंगे पेपर में कैलकुलेटर है ही है. हाँ, लॉग टेबल की जरूरत पड़ सकती है तो वो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से. तो लास्ट में मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगी. सबसे पहले तो पेपर को देखकर काम रहना, मतलब कूल रहना, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कूल डाउन. सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज माइंड में मत लेके चलना पेपर बहुत लेंथी होगा, पेपर को मैं अटेम्प्ट कैसे करूं, ये सब. देखो सबके लिए पेपर है 120 मिनट सबको मिलेंगे, यू कैन मैनेज दैट. और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे मैनेजिंग होती है, तो आप मैनेजिंग कितना अच्छा कर सकते हैं ये चीज रहेगी. एंड थर्ड वन, एक चीज याद रखना, हम सीयूटी क्यों दे रहे थे, व्हाई यू स्टार्ट द पेपर, आपने इस पेपर की तैयारी शुरू करी क्यों थी. क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में जाके घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल पेपर है, मेरे से तो एक भी सवाल नहीं लग रहा है. भाई शांत होके थोड़ा बैठ जाना और सोच लेना कि घर पे मेरे सारे दुआ कर रहे होंगे कि आपका ये पेपर निकल जाए. तो ऐसे में पैनिक होने से बढ़िया कि तुम कुछ करो, तुम वहां पे सवाल को निकालने की कोशिश करो, शायद आंसर ही आ जाए, शायद तुम वहां पे 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा जाओ, है ना, नेगेटिव मार्किंग में जाए ना. तो आई थिंक सो दैट आप सबको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है. उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सारा पेपर ऊपर से लेके नीचे तक एक बार अटेम्प्ट करना है, देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कई बार 99 पर बैठा होगा और आप लेंथी के चक्कर में 80 से मूव ऑन हो जाएंगे. 99 पे ऐसे क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप पूरा वो पेपर को ध्यान से देखेंगे. एंड ऑल द बेस्ट. बाकी देखो मैं तो